तुर्की और सीरिया में सोमवार को भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता 7.8 बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की और सीरिया में अब तक कुल 750 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें सीरिया के 230 और तुर्की के 520 लोग शामिल है, तो वहीं 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर तो लोग माल्टा के शामिल है। तुर्की के अडाना शहर में 17 और 14 मंजिली इमारतें ढह गई है। राहत और बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तुर्की में आए इस भयानक भूकंप पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और कहा कि भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।